नशे के विरुद्ध अभियान में काशीपुर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस टीम ने लाखों की कोकीन व चरस के साथ दो ऐसे नशे के सौदागरों को दबोचा जो पिछले लंबे समय से गैर कानूनी कार्य में लिप्त थे। बरामद नशीले पदार्थों की कीमत को जहां पुलिस 25 लाख की आंक रही है, तो वहीं इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद दादे के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान में क्षेत्राधिकारी राजेश भट्ट के निर्देश पर कोतवाली चंचल शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर रामनगर रोड स्थित ग्राम घनौरी के समीप एक नवनिर्मित कॉलोनी में घेराबंदी कर दो लोगों को दबोच लिया, जिनके पास से तलाशी के दौरान पुलिस को 500 ग्राम चरस और 500 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों की कुंडली अभी और खंगाली जा रही है। क्राइम स्टोरी के लिए काशीपुर से रफी खान की रिपोर्ट। बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले कई दिनों से कोतवाल काशीपुर के दिशा निर्देशन में टीम लगी हुई थी, इसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर आज पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम मेहर और मक्खन हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं। एक तो धनौरी काशीपुर के रहने वाले हैं और दूसरे बाजपुर से। इनके पास से 250 ग्राम कोकीन, कुल मिलाकर आधा किलो कोकीन और आधा किलो चरस ये बरामद हुई है। इसकी बाजार में जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो 25 लाख रुपए के लगभग है। इसमें जिन लोगों से इनको सप्लाई हुई थी वो डॉक्टर अहमद नाम के एक व्यक्ति जो बाजपुर गांव के रहने वाले हैं, वो फरार हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। पुलिस के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, इसके लिए इनको पुरस्कार की घोषणा भी की गई है।